फतेहाबाद में जीप प्रेमियों का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। लघु सचिवालय के बाहर धरनारत जीप प्रेमी और विश्नोई समाज के लोगों ने प्रशासन व सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वह सरकार में आए चीतों के भोजन के लिए कोनू नेशनल पार्क में हिरणों को छोड़ने जाने का विरोध कर रहे हैं इसको लेकर डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्वोई सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कड़वासरा ने कहा कि देश में चीतों को पुनः विस्थापित किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि चीतों के शिकार के लिए उनके इलाकों में चीतल व अन्य हिरणों को छोड़ा जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से जीव प्रेमी खासकर विश्नोई समाज को गहरा आघात पहुंचा है। हिरण हर किसी का मन मोह लेने वाला निरही जीव है, जिसे हमेशा विश्नोई समाज ने अपनी जान जोखिम में डाल बचाता आ रहा है। हिरण संरक्षित प्रजाति है, इसलिए उनको चीतों का निवाला बनाना ठीक नहीं है। हिरण काले हिरण व इस प्रजाति के अन्य जीव भी लुप्त प्राय की श्रेणी में है। कई दशक पहले ये लाखों की संख्या में भारत में विचरते थे और अब हजारों में है। इन्हें भी बचाए जाने की जरूरत है। लेके आई है चीतों के कंजर्वेशन के लिए, जो भारत में पहले लुप्त हो चुके थे, वो सरकार लगभग 70 सालों बाद, 7 दशक बाद लेके आई है, जो कि अच्छा प्रयास है। लेकिन जब समाज को ये पता लगा कि उनको खाने के लिए हिरण डाले जा रहे हैं, एक बाड़े में डाले जा रहे हैं, और हिरण भी एक संरक्षित प्रजाति है भारत की, तो उसको अगर डाल दें तो समाज का विरोध है कि उस प्रजाति को हम बचाते आ रहे हैं। और हिरणों को बचाने के लिए सरकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में, हरियाणा में एक विश्नोई समाज लगा हुआ है कि वो जानवर बचे रहे, लेकिन सरकार उनके आगे वो डाली तो ये विरोध है समाज का। तो आगे जिसमें धरना वगैरह चल रहा है तो उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? धरना हमारा आगे चलता रहेगा जब तक सरकार की तरफ से लिखित कोई इसके बारे में स्पष्टीकरण आए कि क्या प्रावधान है, वो क्या कर रहे हैं। और हिरणों को अगर वहां डाला ही जाएगा तो समाज का विरोध रहेगा और धरना यहां पर चलता रहेगा। और 25 सितंबर को मुकाम में पूरे समाज की मीटिंग है, लाखों लोग आएंगे, आगे की रणनीति पूरा समाज लेगा। तो आप ये अपील करेंगे जो आपके समाज के एमपी एमएलए हैं उस बात को उठाएंगे? बिल्कुल, समाज के एमपी एमएलए जो भी है, वो सांसद है, विधायक है, बिहारलाल जी, कुलदीप जी, विनोद सब ने सरकार को लिखा है कि इस पर पुनर्विचार करें। किसको ज्ञापन दिया गया जी? ये डीसी साहब को दिया है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम। काजी लड़के योग ने भी जो 25 तारीख को इस पूरे मामले में जो रोहित है, रोहतास बड़ा जोशीला युवा है, और उन्होंने भावना में आकर ये दिया है। हम उसको समझाएंगे कि आज के टाइम में कानून है, अपनी बात और तरीकों से रख सकते हैं, क्योंकि जान अपनी भी कीमती है। तो उस तरीके उस पर हम उनको समझाएंगे कि गौर ना करें, उस पर पुनर्विचार करें। तो बढ़िया लड़का है और संदेश भी उससे अच्छा गया है, लेकिन आज के टाइम में और भी माध्यम है, और माध्यम से सरकार तक हम बात पहुंचा सकते हैं। लघु सचिवालय के बाहर धरना जारी रहेगा आपका? हाँ, बाहर जारी रहेगा। विनोद जी सही कह रहे हैं, लड़के को रोहित को हमने बुलाया था कल वो हमारे घर आया था, हमने बैठ करके उससे आधा पौना घंटा मंत्रणा किया था कि बेटा ये फैसला नहीं लेना जो तुम ले रहे हो, हम तो आप हमारे साथ रहो और मिलजुल करके लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़का वो मान गया है बात को, और ऐसा स्टेप वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नहीं लेगा जैसा उसने बोला है, लेकिन उसकी भावना आयत हुई है, उसे उस तरीके से अपने उजागर कर दी। ठीक है, धन्यवाद। माता अमृता देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता अमृता देवी।